युवा कांग्रेस ने नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत देश भर में बेरोजगारों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। ये बात युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अखिल अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 6 माह तक अभियान चलेगा, जिसके तहत कोई भी बेरोजगार अपना पंजीकरण करवा सकेगा। युवा कांग्रेस ने नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत देश भर में बेरोजगारों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। ये बात युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अखिल अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने इस दौरान NRU के लिए नंबर 8151994411 भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 माह तक अभियान चलेगा, जिसके तहत कोई भी बेरोजगार इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करवा सकेगा। अभियान के दौरान आंकड़ा जुटाकर युवा कांग्रेस केंद्र सरकार पर बेरोजगारों को रोजगार देने का दबाव बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल होने को आए हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसी तरह जयराम सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे पर मोर्चा खोला जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है युंका के। अभियान के तहत युवाओं से मिस्ड कॉल करवाई जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। इसके उपरांत केंद्र सरकार को आंकड़े बारे अवगत करवाते हुए रोजगार देने की मांग को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। युवा कांग्रेस द्वारा NRU को लेकर आज हम नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आज प्रदेश के अंदर हम धर्मशाला में जो पत्रकार वार्ता की उसमें टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से। इन्होंने सरकार आने से पहले कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? आज उस मुद्दे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है। उस अभियान में हम नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने उसका नाम दिया है। उस माध्यम से हमने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है कि उस टोल फ्री नंबर पर हम सभी ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा, हमारे जिला अध्यक्षों द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा अपने अपने गृह क्षेत्र में जाकर, अपने अपने विधानसभा में जाकर ये नंबर को जाकर युवा साथियों से मिस कॉल करवाएंगे। वो नंबर मिस कॉल करने के बाद एक मैसेज आएगा, वो नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उस नंबर का रजिस्टर्ड का माध्यम यही है कि हमारे पास वो आंकड़ा आएगा कि जो बेरोजगारों की लंबी तादाद है वो आज कितनी बढ़ती जा रही है। वो आज हम उस नंबर को लेकर, उस आंकड़े को लेकर देश के अंदर गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि जो आपने रोजगार की बात की, आज बेरोजगारों की लिस्ट ये है। और ये मुख्य उद्देश्य था, वो हमने टोल फ्री नंबर आपको बताया, वो हमने टोल फ्री नंबर यहाँ आज लॉन्च किया।